तो गाइस यार आज के इस वीडियो में यार हम लोग बनाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस यार, वही हाइड्रोजन गैस जो हम मार्केट से लाते हैं और बलून में भर के उसको उड़ाते हैं सीधा। तो गाइस उसको हम बहुत ही आसान और सस्ते में बनाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस बिल्कुल इजीली तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सो इसमें हम बनाकर दिखाने वाले हैं हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यार हाइड्रोजन गैस हमारे हवा से हल्का होता है इसीलिए वो आसमान में सीधा उड़ जाता है। अगर हाइड्रोजन गैस की जगह पर हम CO2 गैस भर दें उसमें हमारे बलून में तो बलून नहीं उड़ेगा, क्योंकि जब हम मुंह से फुलाते हैं तो उसमें CO2 गैस ही रहता है, इसीलिए वो शायद आसमान में नहीं जाता है और इसी कारण नहीं जा पाता है। और हम लोग हाइड्रोजन गैस जब उसमें भर देंगे तो वो सीधा हवा में उड़ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं बनाना हाइड्रोजन गैस, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। सो गाइस यार उसको बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कास्टिक सोडा है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है। और इसको हम जैसे यार एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाता है फाइनली। और इसके लिए कुछ यहाँ पर एल्युमिनियम फाइल हम ले लेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर लोहे का छीलन भी ले सकते हैं या लोहा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा। और यहाँ पर कुछ बियर के कटे हुए बॉटल को ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक बॉटल चाहिए जिसमें ये सब रिएक्शन होगा, उसके लिए यहाँ पर एक बॉटल चाहिए। इसी के अंदर हम इसका दोनों को मिक्स कर देंगे, उसके बाद पानी मिला देंगे और उसके बाद फिर हाइड्रोजन गैस में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसको हम इस बलून की सहायता से इसके अंदर हम भर लेंगे और फिर इसको हम उड़ाकर चेक करने वाले हैं। सो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है यार। तो चलिए बनाकर देखते हैं अब। तो गाइस यार इसको हम अब बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लेंगे इस बॉटल को, उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, यहाँ पर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो गाइस यार इतना पानी काफ़ी रहेगा मुझे लगता है, और यहाँ तक मैंने पानी इसमें डाल दिया है, उसके बाद इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम हाथ में निकाल लेते हैं थोड़ा, इसको सावधानी के साथ इसमें मिलाना है वरना रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है ये। और अब इसके अंदर हम मिलाते हैं एल्युमिनियम फाइल को, इसको मिलाते हैं। तो गाइस यार अब जा रहे हैं इसमें एल्युमिनियम फाइल को मिलाने और फिर इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी तक बहुत गर्म हो गया है गाइस वैसे भी, लेकिन इसके अंदर हम एल्युमिनियम फाइल को इस प्रकार से गोल करके इसमें डाल देंगे और इसको भी हम निचोड़ के इसी के अंदर डाल देते हैं। तो गाइस इसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया गाइस, अब हम जा रहे हैं इसमें इस वाले बलून को लगा देंगे और फिर हाइड्रोजन गैस को इसमें निकलने लगा है, इसको हम लेंगे। तो गाइस यार रिएक्शन होने स्टार्ट हो गया है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इसमें उसमें छेपी अभिक्रिया होती है यार, इसीलिए थोड़ा समय लगेगा इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा गैस एब्जॉर्ब हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर यह फूलने लगा है, और इसका हम थोड़ा कैमरा का एंगल ऊपर करते हैं, आप देख सकते हैं धीरे धीरे बढ़ रहा है और ए फ्यू मोमेंट्स लेटर रिएक्शन स्टार्ट है। और तो गाइस यार ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा बलून इतना बड़ा फूल चुका है, इसका रिएक्शन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर हमारा बलून काफ़ी बड़ा फूल चुका है गाइस हाइड्रोजन गैस से, अभी इसका रिएक्शन हो भी रहा है इसके अंदर, तो देखते हैं कितना बड़ा ये फूलता है। और इसको थोड़ा हम उड़ाकर भी चेक करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा अंत तक जो देखना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। ये यार काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो चुका है, तो इसको अब हम बंद करते हैं, इसका बलून को निकाल के गैस को निकाल लेते हैं, इसमें बंद कर देते हैं और उसके बाद हम इसमें दूसरा बार लगा देंगे। और उसके बाद अब इसको हम निकाल के उड़ा कर चेक करने वाले हैं, आपके सामने ही इसको छोड़ देंगे, पकड़ेंगे नहीं दोस्तों चाहे यहाँ पर ये जाए। और एक्सपेरिमेंट हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली हो गया है, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं गैस को बंद करके। और गाइस आप देख सकते हैं ध्यान से देखो आप यार यहाँ पर यार कितना ज़्यादा से निकल रहा है गैस। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जा रहा है गुब्बारा अपने आप ऊपर आसमान में चला जाएगा, इसको हम भी थोड़ा रखते हैं, अभी आखिरी में इसको यार हम उड़ाकर दिखाने वाले हैं। अभी एक इसमें बहुत सारा गैस भी बनना है, तो इसके लिए भी हम इसमें और भी लगा देते हैं, तब तक इसका पावर देना। तो इसमें हमारे पास एक बलून और है यार, इसको भी हम इसमें लगा देते हैं ताकि गैस जो बन रहा है वो फालतू ना जाए और इसके अंदर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए। सो
यहाँ पर मैंने इसमें लगा दिया है और गैस बनना स्टार्ट हो गया है। तो फिर इसमें हम तार लगा देते हैं अपना। तो गाइस वो वाला गुब्बारा भर गया था यार, और इसको मैंने दूसरा गुब्बारा यहाँ पर लगा दिया है, अभी भर रहा है ये भी, और थोड़ी देर में ये भी भर जाएगा। और इसके अंदर रिएक्शन अभी भी बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। तो इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है यार, लेकिन बहुत काम की है, बहुत नॉलेजफुल है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना। तो आप देख सकते हैं यार इसमें गैस कितना तेज़ी की मात्रा में निकल रहा है, अभी मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखते हैं गाइस ये हाइड्रोजन ही गैस है, लेकिन यार ये प्योर नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे गैसों का मिश्रण मिला हुआ है, इसलिए ये प्योर नहीं है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा और भी खतरनाक होता है। रिएक्शन इसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है गाइस, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो गाइस यार हम यहाँ पर आ गए हैं छत पे, और अब इस गुब्बारे का टेस्टिंग की बारी है, देखते हैं यार उड़ पाता है या फिर नहीं उड़ पाता है। यार कैसे काम करता है मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है यार इसका। चलो अब उड़ा कर देखने वाले हैं। सो इसको अब हम छोड़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ और ये अभी तक जा रहा है गाइस। और इसको हम छोड़ देते हैं, ये भी जा रहा है गैस हाइड्रोजन बलून। तो गाइस आप लोगों ने यार देखा कि हमारा हाइड्रोजन गैस जो मैंने बनाया था बहुत ही सिंपल वे में बनाया था और बहुत अच्छी तरीके से काम किया, वो तो चला गया गाइज। लेकिन आप लोग हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो हमारे इस छोटे से मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक कर दो, और हम मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।